और अब चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होता है, साथ ही काम को लेकर मोदी जी की एक्यूरेसी भी परफेक्ट रहती है। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में दर्शन पाठक बता रहे हैं कि मोदी जी सभी का बहुत ख्याल भी रखते हैं। तो आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानी खुद दर्शन पाठक की जुबानी। संघ में मेरी जिम्मेवारी नगर कार्यवाह की थी, उस वक्त संघ के बहुत से प्रचारक जो बीमार होते थे तो डॉक्टर भरत भी अमीन के दवाखाने में रुग्णालय में एडमिट होते थे। एक बार वसंतराव चिपळूणकर जी एडमिट हुए, उस वक्त साहब सीएम थे, तो फिर साहब वसंतराव जी के साथ बैठे, सब बात किए, फिर बाहर आए और पूछा भाई दर्शन कौन किसकी जिम्मेवारी है, वसंतराव की जिम्मेवारी किसके पास है। मैंने बोला साहब मेरे पास है, तो कि देखो वसंतराव जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साहब जब हिमाचल थे तब हमारी मीटिंग मेयर बंगले होती थी, उस वक्त लालजी भी परमार मेयर थे, तो साहब आते थे और साहब कुछ अखबार भी लेके आते थे पुराने उस टाइम के, और उनमें से जो उनको विदेश प्रवास के वक्त उनको जो बनाना था वृत्त उसके बारे में हमें बताते डिटेल से बताते थे। मगर जब भी 7 दिन के 10 दिन के बाद जब साहब आते थे फिर से तो हम बताते थे साहब को, तो ऐसा होता था कि साहब बोले नहीं ये ठीक है मगर उसको इस तरह से लेना चाहिए। यानी उस वक्त जो साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे ना वो ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स होता था। चंद्रशेखर महाराज साहब का उन्होंने एक पत्रिका बनाई थी कांग्रेस के उम्मीदवार के लाल भाई देवचंद शाह के नाम से, और अखबारों में इश्तेहार दिया था कि सब जैन लोग लाल भाई देवचंद शाह को वोट दे। तो उस वक्त साहब ने हमें मुझे संघ कर रहे बुलाया था और एक पत्रिका दिया था कि ये पत्रिका हैंडबिल बनाना है और दूसरे दिन सब अखबार में डालना है। दूसरे दिन इलेक्शन था तो मैं और दूसरा एक कार्यकर्ता, उस वक्त मुझे जिम्मेदारी दी गई तो हम लोग खमा समय साधना प्रेस था, शाम को 4-5 बजे पत्रिका तैयार हो गई और हम साहब को बताने मेयर बंगले गए। उस वक्त दीप्तिबेन शाह मेयर, मुकुल शाह और दीप्तिबेन शाह मेयर थे, तो हम वहाँ गए थे मेयर बंगले बताने को। तो हम तो बहुत खुश थे कि चलो पत्रिका बन गई, बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा, साहब खुश हो जाएंगे। मगर जैसे ही साहब ने देखी पढ़ा तो और आगे पीछे किया तो साहब को मज़ा नहीं आया। साहब बोले ये क्या किया आपने, पूरी मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया, ये क्या किसने बनाई पत्रिका, मुझे पूछा। मैंने बोला साहब साधना में बनाई। साहब ने इमीडिएट बोला कि आप जाओ दूसरी पत्रिका बनाओ और ये पत्रिका को नहीं देना अखबार में। दूसरे उसी रात इमीडिएट बना दी और रात को हम लोगों ने 3-4 बजे तक सब अखबारों में पत्रिका डलवाई और रात को उसके बाद दूसरे दिन हम घर गए। एक जिंदगी का यादगार प्रसंग रह गया ये कि है। मगर उस वक्त साहब की जो एक्यूरेसी थी वो हमें ध्यान में आई कि साहब इतना ख़राब होने के बाद गुस्से नहीं हुए। मेरा साला सीरियस हो गया था, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लास्ट टाइम ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। उस वक्त मैंने तन्मय को फ़ोन किया था कि भाई उसको कुछ करो। इमीडिएट तन्मय ने सब रिएक्शन सब ऐसे भी मैं देख लिया और ही सेव्ड। तो हमारे लिए तो वो फाइनल है, कुछ भी बोलो, सबके लिए कुछ भी करना हो, पेन टू पियानो, वी आर रेडी।